नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल GS Planet पर। आज 18 जुलाई 2021 है की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज का। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई? तो बच्चा ये प्रत्येक 17 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, आओ देख लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी 17 जुलाई। ठीक है, इट समटाइम्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में भी इसे माना जाता है। ठीक है, क्यों? न्याय सीधी सी बात है यार, न्याय के लिए बढ़ावा देना है पूरे विश्व में, उसकी अच्छी अच्छी बातें करना, इसी के लिए किया जाता है। ये कौन सी संस्था इसे ऑर्गेनाइज़ करती है? देखिए, जब भी कोई डे ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक इंटरनेशनल संस्था होती है। जैसे 17 जुलाई 1998 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चा, वो कहाँ है? हेग में है। हेग जो नीदरलैंड में है, हेग में है, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज ICC, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एडॉप्टेड द रोम स्टैट्यूट। रोम कानून है, उसी के रोम नियम जो बनाया गया है उसी के आधार पर ये पूरा अदालत कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करती है। ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ICJ की बात कर रहे हैं, इसी ने 17 जुलाई 1998 में निर्णय लिया कि प्रत्येक 17 जुलाई को हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो पत्रकार दिनेश सिद्दीकी की किस देश में एक आतंकवादी घटना में मृत्यु हो गई? ये एक टेरर एक्टिविटी को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, ठीक है, और उसी दौरान आतंकवादी घटना में इनकी मृत्यु हो गई गोली लगने से। तो ये कहाँ पर ये घटना घटी है? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तो सही आंसर इसका क्या है? अफगानिस्तान। अब आप पर यहाँ पर पता होना चाहिए, अफगानिस्तान में जो टेरर मूवमेंट है ये कौन कर रहा है, वहाँ पे जो टेररिज्म है वहाँ पे फैला रहा है, उसका जो संगठन का नाम है तालिबान, ठीक है, तालिबान, और दूसरा है अलकायदा। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण जो है आतंकवादी संगठन है जिसकी वजह से पूरे अफगानिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है। तो उसी की घटना को कवर कर रहे थे ये पुरस्कार, वो जो है दानिश सिद्दीकी जी, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। पूरी दुनिया में इस घटना की बड़ी निंदा की गई। इन्होंने देखो, जो जर्नलिज्म होता है, जर्नलिज्म का जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है वो पुलित्जर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड USA के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, क्लियर है। पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला था और इनकी जो है अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान का ये मैप है, ये देखिए, इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। देखिए, ये भारत है, हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखा जाए तो अफगानिस्तान का नियरेस्ट पड़ोसी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो भारत जिस हिस्से से अफगानिस्तान से टच करता है वो भारत के पास ही नहीं है, वो POK है जो कि पाकिस्तान के पास है। फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बाद ईरान है, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो इतने देशों से अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान जो है मिलती है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत की सबसे छोटी जो सीमा है 110 किलोमीटर की, वो मिलती है किससे? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, ध्यान दीजिए। जब अफगानिस्तान और भारत के बीच बंटवारा होता है अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों ने जो डिवीज़न किया था, तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ये डूरंट रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? डूरंट रेखा, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत को विभाजित करती है, समझ में आ गया, इनके बीच में सीमा निर्धारित करती है। इसी बीच जो अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा है उसकी लंबाई 110 किलोमीटर है, भारत के किसी भी देश के साथ ये सबसे छोटी सीमा है। अफगानिस्तान की बात और कर लेते हैं, तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है, यहाँ की करेंसी जो है वो अफगानी है और यहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। अभी यहाँ पर अफगानिस्तान न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्से पर अब क्या हो रहा है, तालिबान का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, तालिबान फिर से कब्जा कर रहा है। और जब अगर तालिबान कब्जा कर लेगा तो वहाँ पर पूरी तरह से जो कट्टर इस्लामिज़म है
उसके अनुसार वहाँ पे राज चलेगा, पूरी तरह से मध्यकालीन व्यवस्था वहाँ पर डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये जो कट्टर इस्लामिक लोग होते हैं उनका ये मानना है कि अल्लाह के दीन के रास्ते पे चलो, और उनका दीन का अपना नज़रिया है, पता नहीं कौन सी तरह का उनका दीन होता है कट्टरता फैला कर, ये उनका नज़रिया, आप क्या करें जो है। पूरी दुनिया में इस तरह की कठोरता की आलोचना होती है, करनी भी चाहिए, इंसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उसके विकास के लिए आवश्यक हो, लेकिन यहाँ पर यह समस्या आ जाएगी। तो तालिबान क्यों वहाँ पर एक्टिव हो रहा, क्योंकि 2014 के बाद से अमेरिका ने निर्णय लिया था कि धीरे धीरे हम अफगानिस्तान में जो अपनी सेना हटा देंगे, चूँकि अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पर तालिबान फिर से एक्टिव हो रहा है। तो जैसे ही तालिबान एक्टिव होगा तो अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़ेंगे, और टेररिज्म बढ़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान से एक और ज्योग्राफी में प्रश्न बन जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये सीमा है, एक नेचुरल सीमा भी बनती है, प्राकृतिक सीमा जो बनाती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम पूछ लिया जाएगा, उसका नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है बच्चा? हिंदू कुश पर्वतमाला, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है। समझ में आ गया? ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कहाँ पर मनाया जाता है बच्चा? ये तेलंगाना में मनाया जाता है, प्रत्येक जुलाई के महीने में मनाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म यानी आषाढ़ यानी जुलाई महीने में, ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें इनका जो कुआं की जो ट्राइब्स हैं ये इसको जो है उत्सव मनाती है, बस किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछ लिया जाएगा बस। ठीक है, तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना ये आपको दिख रहा है ये येलो कलर का तेलंगाना, इसका जो है विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश से, कब हुआ था एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, और 2 जून प्रत्येक 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? TSR राव चंद्रशेखर, और गवर्नर यहाँ के कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राजीव गांधी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वन स्थली और के ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये था आपका तेलंगाना। तेलंगाना में और भी कुछ देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कि हाल ही में किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और ट्विस्ट कर दिया जाएगा। किसान कल्याण, किसान पार्थ, किसान सारथी, किसान सहयोग, नाम मिलता जुलता आप निश्चित तौर पर एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये नाम मैंने जानबूझकर इसी तरह से रखा क्योंकि एग्जामिनर भी यही खेलता है। तो सही आंसर क्या है? किसान सारथी। किसान सारथी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और देख लेते हैं न्यूज़ को। ठीक है, ये AIR की रिपोर्ट है, देखिए। किसान सारथी घर बैठे ले वैज्ञानिकों से खेती किसानी से जुड़ी सभी जानकारी। ठीक है, एक ज़माना था जब खेती के ज़्यादातर काम हाथ से होते थे। यहाँ पर सीधे सीधी बात है क्या कि एक एप्लीकेशन है जिसमें हर तरह का डिजिटल सोल्यूशन दिया जाएगा किसको, किसानों को, उनको फसल की बुआई कटाई आवश्यक बीज, तो एक्सपर्ट से सीधे वहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन उनको मिल सकता है। ठीक है, उसका नाम क्या? किसान सारथी। सारथी का मतलब ये ऐसा है राह दिखाने वाला। समझ में आ गया? और इसे लॉन्च किसने किया है? तो 2 मंत्रालय ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। पहला मंत्रालय है जो पूछा जा सकता है, उसका नाम है जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हैं। ठीक है, और दूसरा, जब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है तो उसमें IT मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, और इस समय कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वो है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और कृषि मंत्री दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए COVID-19 टीकाकरण अभियान लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट लॉन्च है, लॉस्ट नहीं है, लॉन्च COVID-19 वैक्सीन कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल। सही आंसर इसका क्या है? केरल। केरल में ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसका नाम है मातृ कवचम। नाम से ये लग रहा है कि माता को कवच दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको पता है कि COVID-19 का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, कई सारे भारतीय वैक्सीन है, भारतीय वैक्सीन के अलावा विदेशी वैक्सीन भी है जो भारत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो
प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए अभी तक को जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरुआत नहीं हुई है, तो धीरे धीरे भारत में अब इसकी भी शुरुआत की जा रही है। तो केरल ने उसी दिशा में मातृ कवचम नामक एक अभियान लॉन्च किया है जिसमें गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा सुरक्षित होगा, ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, केरल की बात कर लेते हैं। केरल की लोकेशन ये रहा, आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पूरा का पूरा इसका जो वेस्ट गेटवे है अगर हम बात करें ये अरेबियन सी है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है, ठीक है, और ये आपका इधर जो बॉर्डर बनाता है वो है कौन सा, वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट पर पूरा लोकेटेड है ये, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ठीक, कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है इस समय, पिनराई विजयन, दोबारा मुख्यमंत्री बने अभी हाल ही में। गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ। नेशनल पार्क यहाँ पर कई सारे हैं, इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर कौन है, अगस्त्यमलाई, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क हो गए, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। हाँ, यहाँ पर केरल में एक पर्वत चोटी है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, उसका नाम है कार्डमम। कार्डमम का मतलब समझ रहे, इलायची पर्वत। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इलायची पर्वत किस राज्य में है, तो इलायची पर्वत केरल राज्य में है, ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफी थी इसकी। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी देखा। जो मैं बैकग्राउंड आपको बताता रहता हूँ इधर उधर की बात, तो उसको नोट करते रहा करें, इससे आपका बहुत बढ़िया नोट्स बन जाएगा और उसी को बार बार रिवाइज करते रहो तो बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, ठीक है। जो भी लेक्चर है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू ऑल।